हाय दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एम सीज की दोस्तों बिना तो बिना देरी किए स्किप आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए पहला क्वेश्चन है थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग दी एच अल्टरनेशन अल्ट्रेशन इन सस्पेंशन ऑप्शन हैं डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग डिस्पर्ज इन सस्पेंशन ऑप्शन बी है एल्काली ऑफ ग्लास पोटल ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द सस्पेंशन और ऑप्शन नंबर डी है अल्टरनेशन इन पार्टिकल साइज तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेशन इन पार्टिकल साइज इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन केस द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम द पार्टिकल्स एक्सपीरियंस लो कंसेंट्रेशन नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव बिस्कोसिटी और लेस डेंसिटी तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव वेलोसिटी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर सस्पेंसन दंटेनर सुड बी फिल्ड टिल द रिम दिन सुड कंटेन इम्प्योरिटीज और दोस्तों ऑप्शन है सस्पेंसन शुड बी पैक्ड इन वायर ऑप्शन नंबर डी है दंटेनर्स लीक देंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन शुड बी पैक्ट इन बाइड माउथ हीशन ऑफ सस्पेंशन दोस्तों आपको चूज करना है कि दोस्तों इनमें से कौन है जो एप्लीकेशन सस्पेंशन का एप्लीकेशन नहीं होता है तो ऑप्शन ड्रग डैमेज और फॉर इम्प्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड टू कंसील द एबनोक्सियस टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स और ऑप्शन नंबर सी है मॉडिफाइड टू कंट्रोल द ड्रग एबजॉर्ब रेट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और यूज फॉर डिस्पर्जिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों यही सस्पेंशन का एप्लीकेशन नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी बाइफेजिक लिक्विड प्रिपेरेशन कंटेनिंग टू इमेसिबल लिक्विड इन टू दर्म एज फार्मास्यूटिकल हिमलशन सस्पेंशन मिक्सर सोल्यूशन और डाइफेजिक सोलूशन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमल्सन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन इमल्सन द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ मिनट ग्लोब्यूल्स

दोस्तों तो आपको चूज करना है इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं पहला ऑप्शन है फ्लेबरिंग ऑफ एक्वेस ऑफ इमल्सन इज पॉसिबल ऑप्शन नंबर बी है अमेजरिंग डिवाइस एम्प्लॉयड फॉर एडमिनिस्टरिंग इमल्सन ऑप्शन नंबर सी है क्रैकिंग ऑफ इमल्सन मेअर ड्यू टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन और ऑप्शन नंबर डी है टू इंश्योर यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन दे आर सेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इमल्सन सेजा डोजिस फॉर्म का यही एडवांटेज होता है यानी फ्लेवरिंग ऑफ एक्वस फेस ऑफ इमल्सन इज पॉसिबल ऑप्शन तो नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी के साथ हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप टेन एम सी क्यू कम्प्लीट कर लिए हैं थैंक यू दोस्तों